तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ का सीन चेक करो, पूरा जंगल से भरा पड़ा है। ऐसा हम लोग पहले स्कूल में करते थे और स्कूल में बड़ा मजा आता था। इसमें घुमाने लेके आई है, मतलब ये यहाँ पे आ चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसन बात सारे लोग, एकदम बस झकास झकाचक। तो भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम उठ चुके हैं और वापस से इसी छत पे। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग दोस्तों के साथ घूमने जाने वाले हैं, कोई पार्क वगैरह है तो आज वहीं पे घूमने जाने वाले हैं। तो चेक करते वहाँ का सीन कैसा है। तो अभी सो के उठ चुके हैं और मेरा रूममेट भी नीचे आ चुका है, तो वो सोया है, तो इस कारण से भी हम ऊपर शूट कर रहे हैं और बाकी तो पता ही है। तो बस यही है, तो आज वहाँ पे जाने वाले हैं। तो और थोड़ा आज लेट वेट हो सकता है क्योंकि आज थोड़ा आज छुट्टी है, आज सैटरडे है, तो आज सैटरडे है तो आज थोड़ा काम कपड़ा वपड़ा धोना है हॉस्टल, तो कपड़ा वपड़ा धोना है, तो फिर और सब भी कुछ काम है तो वो करके फिर चलते हैं। तो भाई हम लास्ट ब्लॉग में तुम लोगों को पीछे का यानी हॉस्टल के पीछे का वो पहाड़ साइड का व्यू दिखाए थे, और आज अपने हॉस्टल का जो ये जो PWD कॉलोनी है पूरा, यहाँ से छत से दिखाते हैं कैसा है। तो सीन चेक करो इधर का एक बार, ये देख लो भाई, यहाँ से कुछ ऐसा लगता है। क्या मतलब, बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग है भाई, पूरा गवर्नमेंट बिल्डिंग है यार, ये पूरा जो है ना गवर्नमेंट बिल्डिंग है, चेक करो। और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नागामीज में कुछ बोल रहे हैं भाई। तो अभी आधा जनता बोलेगा भाई थोड़ा अच्छे से बोला करो, यूट्यूब पे कैसे मरे की तरह बोल रहे हो। अरे भाई बस आधे घंटे पहले सो के उठे हैं, ठीक है, और अंदर कुछ गया नहीं है तो बाहर कैसे आएगा। तो मतलब वैसे तो हम सो के उठने तक आधा घंटे तक हैंग रहते हैं पूरा, ये नहीं करते हैं, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग है भाई, हैंग हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बैक टू नॉर्मल आने में टाइम लगता है, तो इस कारण से मेरा आवाज़ ऐसा आ रहा होगा। बाकी फिर जब जाएगा तो वैसा बाहर आएगा। अरे ठीक है। 2000 years later. So भाई सीन कुछ ऐसा, तैयार होके निकल गए हैं, ऑलरेडी लेट हो गया था तो बस निकल गए। हमारे साथ है ये पराग रूममेट, भाई। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हम लोगों के कुछ और दोस्त हैं तो उनको लेने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनके हॉस्टल में। तो वो हमारे हॉस्टल से ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है। और ये है पराग मेरा रूममेट, ये मतलब पिछले ब्लॉग में आया नहीं था, ये मतलब ये साथ ही रहता है, इसका तबीयत ख़राब था इसलिए गया था घर, है कि नहीं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और वेट कर रहे हैं, यही है देखो, यही कुछ सीन है। और वो जो दिख रहा है वो स्टेडियम है, अब कौन ये वाला जो दिख रहा है ये गोल सा, ये स्टेडियम है और ये है हॉस्टल, सब कुछ वही है भाई, सब वही सीन है। हम एक गलती करते हैं, हम कैमरा को हमेशा यहाँ रख के पकड़ते हैं, आई थिंक हमको यहाँ रख के ज़्यादा बेहतर एंगल मिलेगा, है कि नहीं। हाँ ये ज़्यादा सही लग रहा है। A few moments later. अगर तुम साथ हो, oh,
thousand years later. तो भाई सीन कुछ ऐसा, हम लोग यहाँ ग्रीन पार्क में आ चुके हैं जो कि दिमापुर में है. तो ये है, हम लोग पहुंच गए, ये है द ग्रीन पार्क. तो चलते हैं भाई अंदर, क्या सीन बनता है. चलो वो देखो यार कैसा है. ये है ग्रीन पार्क. पता नहीं इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ मुर्गा मुर्गी वगैरह दिख रहा है. ये देख लो और देखते अंदर कैसा है. जंगल जैसा लग रहा है भाई. भाई तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ का सीन चेक करो, पूरा जंगल से भरा पड़ा है. इधर देखो, ये देखो, भाई हम लोगों का यहाँ पे टिकट लगा है. यहाँ पे आने के लिए टिकट कटाना पड़ता है. ये दीमापुर में टिकट ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ पर पर्सन है. तो हम लोग 4 जन है, तो हम लोगों का 160 रुपया लगा है. तो अभी यहीं पे हैं, हमारा भाई क्या हुआ है, वो पानी का बोतल आने गया है. तो हम लोग गेट पे उसका वेट कर रहे हैं. और जो चल है इधर, हम मोहतरमा लोग ये फोटो वगैरह खिंचवा रही है और यहाँ का हम सीन चेक कर रहे हैं. ये देखो भाई, बढ़िया भाई. और अंदर चलते देखते क्या, यहाँ पे मुर्गी वगैरह दिखाते हैं. ये देखो, ये देखो, क्या मतलब 40 रुपए में मुर्गी देखने आए हैं. अरे नहीं भाई, अंदर देखते हैं और क्या क्या है. भाई यहाँ का सीन कुछ इस तरीके का है. सबसे पहले तो हम कंफ्यूज आ गए हैं कि यहाँ पे शूट कहाँ से करें. यहाँ चारों तरफ बस जंगल दिख रहा है. यहाँ पे जंगल दिख रहा है पूरा. ये देखो, चेक कर भाई, चेक कर क्या चल रहा है. कुछ भी हो भाई, सीन बड़ा सही है यहाँ का. मतलब देखने से बड़ा बढ़िया लग रहा है. धूप वगैरह इसलिए छाता. चलो इसको बंद कर देते हैं. ये ले लो, ये ले लो भाई. यहाँ देखो, भाई हमारे पापा देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे 40 रुपए दे के जंगल घूमने, ऐसे अच्छा गांव में आ जाओ भाई, पूरा खेत भी ऐसा ही है, वहाँ पूरा गाछी में घूम लेना है कि. भाई तो यहाँ का सीन चेक करो, पूरा एकदम नदी वाला. ये देख लो भाई, यहाँ का मतलब एकदम क्या है भाई, मतलब मस्त पूरा व्यू है भाई. मतलब एक से बढ़कर एक व्यू, मतलब बढ़िया लग रहा है अभी तक तो, बढ़िया लग रहा है. बाकी और आगे देखते हैं, आगे और वगैरह कुछ है तो यहाँ पे चेक करो यार, पूरा बढ़िया लग रहा है जो भी, एकदम अच्छा है. इधर देखो, भाई थोड़ा आगे आ गए, यहाँ गेम जोन वगैरह टाइप का कुछ दिख रहा है. यहाँ दिखाते हैं, चेक करो. ये शूटिंग रेंज वगैरह इधर दिख रहा है. एडवेंचरस एक्टिविटी टाइप का भी कुछ यहाँ पे लग रहा है. ये देखो, वेलकम टू ग्रीन पार्क. ये देखो भाई, यहाँ कुछ इस तरीके का शूटिंग वगैरह होता है, वो दिखाते हैं, ऐसा कुछ लगता है. ये देखो, क्या मतलब, इसको देख के BGMI वाला फील आ रहा है. आ तो हमको भी रहा है. चेक करो भाई, चेक करो.
जो भी है बढ़िया लग रहा है अभी तक। और यहाँ पे और कुछ भी है, यहाँ दिखाते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जिप लाइन वगैरह है, शूटिंग है 100, अच्छा कॉस्ट, साइकिलिंग, वाटर और क्या है, रॉक क्लाइंबिंग, अच्छा ये भी है, बुल राइडिंग, अच्छा 3, ओ भाई सही है भाई, जो भी लग रहा है हमको तो बढ़िया लग रहा है भाई। ये चेक करो भाई, व्यू चेक करो भाई, सीन बढ़िया लग रहा है जो भी है। और यहाँ पे कुछ ये देखो, वो रेस्टोरेंट वगैरह एरिया का कुछ है, खाने पीने वाला कुछ है, और अंदर भी कुछ है, वीआर गेम जोन वगैरह भी है उधर पे, और इधर फन जोन है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। और इधर यार मोहतरमा लोग है, फोटो वगैरह खिंचवा रही है। और भी यहाँ कुछ 7D सिनेमा जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे चेक करो भाई पीछे, नहीं नहीं टेंशन मत लो, उधर नहीं जाएंगे, समझ रहे तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, मत नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, सही है बढ़िया चल रहा है सर। इधर चेक करो, और वहाँ पे जो वो दिखा रहे हैं, वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से कुछ लिखा टाइप का, वो घास पे ही कुछ लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर करके कुछ ऐसा ही कुछ है। वहाँ देखो भाई, यहाँ से देख लो इसको, चीज़ वही है, अलग अलग जगह से दिखा रहे भाई, हमको तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये देख लो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है भाई, 40 रुपया दो यहाँ के फोटो शूट करा लो भाई। यहाँ पे हमारा पराग भाई है, 40 रुपये का टिकट लेके तो आया है, लेकिन शायद इसको पता नहीं था कि यहाँ पे कि इसको फोटो खींचना पड़ेगा, तो फोटो खींच के भाई बेचारे यहाँ थक के बैठ चुका है। कोई बात नहीं, दुख समझ सकते हैं भाई। सो हेलो एवरीवन, कैसन बात सारे लोग, एकदम मस्त झकाचकाचक। तो आज हम लोग आए हैं ग्रीन पार्क में, जो कि दीमापुर में है, और यहाँ का हमको सिर्फ कैफेटेरिया, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह और फन जोन है, इसको देख के बस मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है, जब से एक ही ख्याल आ रहा है भाई, नागालैंड यूनिवर्सिटी का कैंपस से तो थोड़ा सा बड़ा है ना। और आगे दिखाते हैं, अगर यहाँ से फिर इधर का सीन चेक करो भाई, इधर का एकदम सेक्सी लग रहा है भाई, बढ़िया भाई जो भी बढ़िया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर के लेकर फोटो ले लेते हैं यहाँ पे भाई, आ कैसा रहा पहले ये बताओ भाई। तो हमको सीन कुछ ऐसा लग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मतलब हम हर जगह जा रहे हैं तो कुछ ऐसा एक सीनरी दिख रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है जो भी है। यहाँ भाई हमको चेक करो आ रहा होगा या नहीं, ये चेक करो, और तुमको हम दिखा रहे हैं इधर से भी, ये चेक करो हेलो हेलो भाई, ये देखो भाई क्या मस्त सीन लग रहा है भाई एकदम। ओ भाई यहाँ पे हर एक सीन बढ़िया लग रहा है, मतलब एक अच्छा एक शांति है, पूरा शांति है। यहाँ पे वही रिवर वगैरह दूसरी साइड आ चुके हैं, और यहाँ पे बस यही है और क्या ही है, आगे गेम्स वगैरह भी है, तो वो भी कोशिश करते हैं, ट्राई करेंगे ठीक है भाई। तो हम लोग मतलब हम लोग आए तो हैं, लेकिन हम लोगों का अमीरी देखो, एक कैमरामैन को लेके आए हैं, देखो। तो हम लोग ग्रीन पार्क में आ चुके हैं द कैमरामैन पराग के साथ। भाई पराग, तुम तो अपना फोटो कब से खींच रहे हो तुम? मैं हाँ, मैं नंबर वन फोटोग्राफर हूँ क्लास का। हाँ इस भाई सच में इसको मतलब क्लास का वो मोबाइल फोटोग्राफी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है हल्के मतलब, तो ऐसा टॉप क्लास को लेके आए देख लो। चलो फिर आगे देख। भाई तो ऐसा स्कूल वगैरह में करते थे, बड़ा मजा आता था, ट्राई करते बड़े दिन बाद, गिरे नहीं गए।
ऐसा हम लोग पहले स्कूल में करते थे और स्कूल में बड़ा मजा आता था। इसमें मतलब हम अट भी नहीं रहे, समझे कि हम दुबले पतले फिर भी नहीं अट रहे। भाई तो यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठे हुए हैं, बस यही चल रहा है। और यहाँ देख लो, ये भाई यहाँ पे सो रहा है। भाई तो पूरे आधा घंटा यहाँ पे भाई ये भाई सो के विश्राम कर रहा था पूरा। तो आधा घंटा के आराम के बाद यहाँ पे फिर आगे निकले, देखते हैं आगे क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ शूटिंग वगैरह टाइप्स का है, आर्चरी, ये देख लो, चेक करो। यहाँ पे आर्चरी का है 5 arrows 100 rupees एडल्ट के लिए, बस एडल्ट के लिए, फॉर मतलब टारगेट हिट करने पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह है वहाँ पे, गिफ्ट्स वगैरह है। और ये क्या है, ये भी कुछ गेम्स वगैरह है। और इधर बोटिंग वगैरह टाइप का कुछ दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ, हाँ ये देखो, यहाँ पे बोटिंग वगैरह है। भाई तो यहाँ भी कुछ गेम्स वगैरह करके मिला है, ये देखो। दारू का बोतल टाइप का कुछ दिख रहा है। और यहाँ चेक करो यार, पूरा ये चेक करो, ये किड जोन लग रहा है। भाई तो यहाँ घूम फिर के मतलब आ चुके, यहाँ रेस्टोरेंट टाइप के एरिया में कैफे टाइप का कुछ लग रहा है, ये देखो। A few moments later. भाई तो हम लोगों का हो गया सब, अब वापस जा रहे हैं। तो कुछ खास वैसा हुआ नहीं है, लेकिन सही है, ठीक है यार, मतलब सही है, व्यू सब सही था, बस यही सब है। और बाकी हैंग आउट करने के लिए जगह सही है, बाकी देखो यही सब है, पूरा जंगल वगैरह है। क्या मतलब, अपने गांव में चले जाते हैं? हॉस्टल आ चुके, थक गए थे, तो इस कारण से बीच में सूट वगैरह नहीं कर पाए। और ऊपर से बारिश हो रहा है, ये चेक करो, चेक करो, यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा ना, बारिश हो रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।